दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि क्या हमें घर का बचा हुआ खाना तालाब में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, क्या मछलियां उसे खाएंगी या नहीं खाएंगी, कौन कौन सी मछलियां खाएंगी, कौन कौन सी मछलियां नहीं खाएंगी, क्या तालाब में इससे कोई दिक्कत होगा, क्या क्या जो बच जाता है उसमें से हमें तालाब में डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, सभी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। दोस्तों हमारे घर में अक्सर कुछ न कुछ भोजन बच जाता है जिसे हम डस्टबिन में डालकर अलग फेंक देते हैं। उसके बजाय अगर आप तालाब में डालते हैं तो मछलियों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि कौन सी मछलियों का आप पालन कर रहे हैं। अगर आप कॉमन कार्प जिसे गोल्डन कहते हैं, जो सबसे तली में सबसे नीचे रहती है, अगर आपके तालाब में यह मछली है तो आप घर का बचा हुआ खाना जिसमें रोटी होना चाहिए, चावल हो सकता है, सब्जी के पत्ते हो सकते हैं, सब्जी के छिलके हो सकते हैं, चाय पत्ती ये सब हो सकते हैं, तो आप अपने तालाब में इन्हें डाल सकते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ये होता है कि बचा हुआ खाना अगर आप अपने तालाब में डालेंगे तो कहीं अमोनिया बनने लगेगा और मछलियों की कहीं मृत्यु ना हो जाए, तो ऐसा सोचना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आपके तालाब में कॉमन कार्प मछली है या रूपचंदा मछली है या ग्रास कार्प मछली है तो आप ये सब रोटी चावल सब्जी के पत्ते ये सब अपने तालाब में डाल सकते हैं। जहाँ तक बात है अमोनिया बनने की, तो जब भी अमोनिया बनेगा, रोटी जब नीचे जाएगी, चावल जब नीचे जाएगी, तली में सड़ेगी, तब अमोनिया गैस बनेगा। लेकिन कॉमन कार्प एक ऐसी मछली होती है जो कुछ भी खा जाती है, खाने की बहुत शौकीन मछली है। चावल आप दीजिएगा चावल खा जाएगी, रोटी दीजिएगा रोटी खा जाएगी, सब्जी के पत्ते तक खा जाती है। तो अगर आपके तालाब में कॉमन कार्प है जो सबसे नीचे रहती है, ये भी रोटी नीचे जाएगा, चावल नीचे जाएगा, चाय पत्ती नीचे जाएगी, सब्जी के पत्ते ऊपर रह सकते हैं जिसे ग्रास कार्प मछली खाएगी, तो ये सब आप डालते हैं तो मछलियों के लिए बहुत फ़ायदा है। अगर आपके तालाब में ये सब मछली नहीं है, जैसे रोहू है, कतला है, नीचे मृगल है, ऐसे मृगल भी खाती है, लेकिन कॉमन कार्प अगर नहीं है या रूपचंदा नहीं है, ग्रास कार्प नहीं है, तो आप इन्हें ना डालें। क्योंकि जब आप भोजन डालेंगे, बचे हुए खाने को डालेंगे, तो एक ही बार नहीं डालेंगे, सप्ताह में 2-3 बार जरूर डालेंगे, तो नीचे जाएंगे सड़ते हुए, अमोनिया फिर बनने लगेगा, और नीचे के लेयर की अगर मछली नहीं है तो तालाब में बहुत दिक्कत होगा। अगर आपके तालाब में कॉमन कार्प है या रूपचंदा है, रूपचंदा एक ऐसी मछली है जो हर चीज़ खा जाती है, ग्रास कार्प मछली अगर सब्जी के पत्ते बचते हैं तो सब्जी के पत्ते खा जाएंगे, तो घर का बचा हुआ खाना आप दे सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये नीचे के लेयर की मछली होना चाहिए, खासकर कॉमन कार्प, रूपचंदा और ग्रास कार्प, तब आप बचा हुआ खाना डालें। बहुत अधिक पुराना खाना ना डालें, 2-3 दिन तक का बचा हुआ खाना आप अपने तालाब में डाल सकते हैं।